अब थोड़ा सा हमें इसको एनालाइज भी करना है, ठीक है। वेबसाइट के अंदर जा रहा हूँ मैं, स्टार्टर्स के अंदर जा रहा हूँ, और इसके बाद हम जा रहे हैं मोस्ट एक्टिव्स के अंदर, और फिर एंडिंग जोन के अंदर, और जस्ट। अच्छा, एक और बड़ी की एलिमेंट है, की स्ट्रेटेजी है, जो काइंड ऑफ यू कैन से ट्रिकी स्ट्रेटेजी बाय फ्लिपा, कि फ्लिपा ने एक ट्रिकी स्ट्रेटेजी की भी है जो के लोगों को काइंड ऑफ इनडायरेक्टली मिसगाइड करती है, ठीक है। और मैं जरा आपसे पूछता हूँ, मुझे जरा इसमें, तो ये ग्रीन है ना, ये ग्रीन वाली सोल्ड रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने ऑल बिजनेस मॉडल्स नहीं करने, हमने वेबसाइट्स एज, ठीक है, वेबसाइट्स एज की थोड़ी सी 1 ईयरली एज करते हैं। उसके बाद हम रेलिवेंट की बात करेंगे, या एक मिनट, लोएस्ट प्राइस में जाता हूँ। लोएस्ट प्राइस में ये डोमेन्स आ रही है, मुझे डोमेन्स नहीं चाहिए, मुझे वेबसाइट चाहिए। इसमें डोमेन्स, अच्छा, वेब्स, वो $1 की डोमेन के ऊपर भी इन्होंने साइट बना के अपडेट किया हुआ है। ये बेसिकली ये $1 आपको नजर आ रही है, ज्यादा डोमेन्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने साइट अपलोड करके $1 की इन्होंने सेल की हुई है, या उसके ऊपर बिल्डिंग आई हुई है। अभी मैंने जो ओपन किया है, इसके अंदर एस्टेब्लिश वेबसाइट, अभी एस्टेब्लिश वेबसाइट के अंदर हम आ तो गए हैं, लेकिन एक और चीज आप जो यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, वो नोट क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे जो आपने एक चीज नोट की है वो क्या है, वो एस्टेब्लिश वेबसाइट के अंदर ये इनकी जो इंटरफेस है सबकी सेम है। अगर आप सारों का देखें ना, इन सब की जो मेन इंटरफेस है वो सबकी चेंज है, चेंज करो सेम है, ठीक है। आप ये नहीं जज कर सकते कि ये किस तरीके से जो है ना, इसके अंदर क्या डिफरेंट, देखें यहाँ पे डिफॉल्ट सब कुछ वही है, लेकिन नीचे रिजल्ट जो है ना वो चेंज है कि, और ये सिंपल इन्होंने अपने सिस्टम के अंदर जो है ना सॉर्ट आउट अपने एंड से किया हुआ है, स्टार्टर, मोस्ट एक्टिव, एंडिंग और सारा, ठीक है। अब स्टेब्लिश के अंदर आएंगे तो ये वेबसाइट में जो स्टेब्लिश वेबसाइट है, और इसके अंदर अगर आप व्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक मिनट, ये वॉचिंग लिस्ट है, इसको तो नहीं हम चेंज करेंगे। यहाँ पे आ रहा है मोस्ट रेलिवेंट, ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट आ रहा है, मोस्ट रिसेंट, लोएस्ट प्राइस, एंडिंग सून, मोस्ट एक्टिव, और ये बाद में आपको आ जाएगा। ये एक ऑप्शन आ रही है रिजर्व मैट, अगर आप रिजर्व मैट को चेक करके करेंगे तो आपको सारी जो है ना ग्रीन आएंगी, जिसका मतलब है कि इनको कोई भी चाहे उस टाइम पे बाय करना चाहे तो बाय कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे हमने कहा था एस्टेब्लिश वेबसाइट, एस्टेब्लिश वेबसाइट के अंदर ये 38 बिट्स, 80 बिट्स और 7, अगर मैं जाता हूँ मोस्ट एक्टिव के अंदर, तो मोस्ट एक्टिव के अंदर ये देखें 80 बिट्स और 89 बिट्स, ये बिट्स वाली जो है ना वेबसाइट टॉप पे आ रही है। अब आपको देखें एक और क्या फायदा होगा, आपकी जो डोमेन, आप जब आपको ये चीजें पता होंगी ना, तो सारी चीजें से तो आपको ये चीज एनालाइज करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको हेल्प आउट होगी कि मोस्ट एक्टिव में किस टाइम पे आपको आ जानी चाहिए, आएगी वेबसाइट, फिर एंडिंग में किस तरह आपने इसको टॉप पे लेके आना, जस्ट सोल्ड का तो फायदा ही नहीं है। तो ये तीनों चीजें जो है ना आपको एनालाइज करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। अब ये हमने देखा है कि जी एस्टेब्लिश वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पे जो है सारी एस्टेब्लिश वेबसाइट आ रही होंगी, इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा आ रही होगी ज्यादातर की, ठीक है।